इस प्यार के सदके। नहीं शादी करनी है तो ना करें, इस तरह इंसल्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा बेटा, ऐसी बात है तो तुम खुद क्यों नहीं कर लेते शादी? शादी उसकी, ना जाने किस खुशकिस्मत इंसान की नसीब में हो। अरे अरे भाई देखो तो सही, मेरे पास भी सेम टू सेम ऐसा ही जोड़ा है, जो इसके सूटकेस में दिखाऊं। आई कांट बिलीव के किसी की भी शादी में घुस के तस्वीर खिंचवा लो। ऐसी लड़की से शादी करो जो तो तुमसे नीचे की हो, जिसका मैं ख्याल रखूं। ढूंढ ली अपने लिए। ए मुन्ने, ए मुन्ने, जरा पता तो कर, हाय कहीं वो बुड्ढी हूर मुंशी की बेटी की शादी में तो नहीं चली गई चुपके से, है पता तो कर। मैं उसकी आवाज भी नहीं सुनना चाहता। यही तो, यही तो बताना चाह रही हूँ तुझे मैं कि जब मर्द को दूसरी मोहब्बत हो जाती है ना तो पहली वाली को तो चार चार चोट की मार देता है। और जिसे कभी सच्ची मोहब्बत मिली ना उसे भाई, वाह मुन्ने वाह, यही तो रोना है। कमबख्ती मारी मालदार है मालदार, ये नहीं कर सकते उसके साथ, नहीं तो ऐसे डंडों से मार मार के ना चमड़ी उधेड़ देता चमड़ी। सॉरी मैम, स्कूल में भी मुझे सब यही कहते थे फूल। सॉरी, मैंने ऐसे गुस्से में बोल दिया था, मेरा मतलब नहीं था। सॉरी, कोई बात नहीं, मैं बुरा तो नहीं मनाती।
सो जाओ तुम, बहुत बहुत देर हो गई, नींद नहीं आ रही। आपको पता है जोड़ा भी पुराना है। कौन सा? ये वाला और कौन सा? ओ डॉक्टर हमाद की ना अम्मी की शादी का जोड़ा है। हमें सबने कहा कि जोड़ा पुराना है, लोग होशियार हैं उन्हें पता चल जाता है, लेकिन हमें पता ही नहीं चला। ये नीलो मनहूस मारी हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करती थी। अल्लाह ऐसे दोस्त किसी को भी ना दे। इस जोड़े को ना मैं पैक करके रख दूंगी, और मैंने भी अम्मी से कह दिया है अगर तो वो लोग जहेज का सामान वापस करते हैं तो ठीक है, वरना हम यही जोड़ा वलीमे में चला लेंगे। कैसा? मर्जी आपकी। बात सुने, आप पढ़ाई में कैसे हैं? मेरा मतलब आप पास पास हो जाते हैं? हाँ पढ़ाई में मैं मैथ्स में बहुत अच्छा हूँ, टॉपर हूँ। मैथ्स में? मैथ्स में हमेशा मेरे फोर मार्क्स आते हैं मैथ्स में, हमेशा से। बढ़ाया हमारी क्लास का रुबाब। हाँ आप पढ़ाई में कैसी? मैं तो पढ़ चुकी, और जितना पढ़ा बहुत ही अच्छा पढ़ा, घर भरा पड़ा है मेरे ट्रॉफियों से जो मैंने खरीदी थी। खरीदी? खरीदता कौन है, जीती थी। मैथ्स में तो जीती थी। सारे पहाड़े फरफर याद है मुझे। पहाड़े? पहाड़े क्या होता है? आप कह रहे हो कि आप मैथ्स में अच्छे हो और आपको पहाड़ों का ही नहीं पता? मैं मैथ्स में हमेशा से अच्छा था, फिर फुल मार्क्स आते थे, लेकिन बच्चू झूठ पकड़ा गया ना। झूठ झूठ क्यों बोलूंगा, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं हमेशा से मैथ्स में मैं जीनियस रहा हूँ, टॉपर हूँ मैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैथ्स में अच्छे और पहाड़े ना आते हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कहाँ थे आप? मैंने और अब्दुल्ला ने कितने फोन किए आपको? बस आज की रात जाने दो, मैं कोई बात नहीं करना चाहता। खैरियत, क्या हो गया है? मैंने कहा ना, मैं कोई बात नहीं करना चाहता। हुआ क्या है? तुमने एक लफ्ज भी बोला ना तो मैं चला जाऊंगा। मैंने जरूरी बात करनी थी आपसे।
कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। तुम टेबल की बात कर रही थी? नहीं, पहाड़ों की। मैंने नेट पे चेक किया, उसको इंग्लिश में टेबल ही कहते हैं। आते हैं आपको? ऑब्वियसली सारे आते हैं। अच्छा, तो फिर सुनाए जरा आप उसका 125 का पहाड़ा, सुनाए जरा। 125? देखा, झूठ बोल रहे थे, झूठ बोल रहे थे। झूठ नहीं बोलता मैं। तो फिर क्या मैं झूठ बोलती हूँ? नहीं, मगर 125 को क्या 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 कहते हैं इंग्लिश में, मुझे नहीं पता। मैं बताती हूँ, 125 को कहते हैं 125। 125 का पहाड़ा सुनाए तो फिर मैं मानूंगी। हाँ, शाकार मतलब जीनियस। आप तो अल्लाह का जुआ हो, आप तो एक मौजा हो। थैंक्स, आप हेल्प कर देता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, आप इन कामों के लिए थोड़ी हो, आप तो आपने तो बड़े बड़े काम करने हैं, बड़े बड़े। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, अल्लाह कहीं आपको मेरी नजर ना लग जाए। आप बैठो, आप बैठो, बैठो, बैठो। मैं आपकी नजर उतारती हूँ, नजर उतारती हूँ। पागल ही हो गई। मैं किचन से लेकर आती हूँ। किचन कहाँ है? आगे से राइट। मिर्ची रखी होंगी क्या? वहीं पे होंगी। मेरा शौहर बहुत सही। उस पल की क्या ही बात हो जिस पल में तेरा साथ हो, उस प्यार के सदके, उस प्यार के सदके। बस कर दे माजबीन, मुंह को भी आराम चाहिए होता है, कानों को भी आराम चाहिए होता है। चले, कानों को तो आराम मिला। बाय।
चुराती हुई शाम से क्या कहें, हो सब कुछ तेरे नाम है कैसे आगे बढ़े। दिया जले साए हंसे आए हवा का ठिकाना नहीं, मौसम सारे हैं आए हुए अब बहाना नहीं। अब तक आपके सर्वर साहब के तो छक्के छूट चुके होंगे माजबीन को उस घर की बहू बनी देखकर। इसे कहते हैं किस्मत। कुदरत को भी ना मेरी बेटी पे रहम आ गया। हाँ। दुआ करो कि आगे भी उस पर कुदरत मेहरबान रहे, खुश रहे वो। आमीन। वरना यकीन जानो सीमा, अगर हालात कुछ और होते तो शायद मैं अपनी बेटी को उस घर में कभी भी ना ब्याहता। अरे आपने तो हद ही कर दी। ऐसे लड़कों को शहजादा कहते हैं आजकल के जमाने में, और शहजादों के रिश्ते ठुकराए नहीं जाते। हाँ खैर, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं जाकर बाजार से हलवा पूरी लेकर आता हूँ, माजबीन को बहुत पसंद है ना। ठीक है। क्या हुआ, कोई और अच्छी लगने लग गई आपको? हाँ। कौन? बताने का फायदा होता तो जरूर बताता। चलो इतना बता दे, औरत है या लड़की? किस तरह की बातें कर रही हूं, अंदाजा नहीं हो रहा कि मैं बेजारी में कह रहा हूं? मुझे तो ऐसे नहीं लग रहा। मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तुम मुंशी साहब की बेटी की शादी पे गई थी? वो सीधा सा जवाब होगा, गई थी? मैं कुछ बात। हाँ या ना? हाँ गई थी। सर्वर मेरी बात सुने। सलाम छोटे साहब जी। सलाम अलैकुम बेटी जी। वालेकुम सलाम। हफीज। ये साहब का है, जल्दी से लेके। अच्छा मेरी बात सुनो, ये चाय नाश्ता ना मैं ही क्या करूंगी, ये ना हो ना तुम्हारी आदत पड़ जाए। मैं बीवी हूं ना, चाहे बुरी सी शक्ल बनाने की जरूरत नहीं है, हम एक जैसे ही हैं। अच्छा एक बात तो बताओ, मुझ में और तुम में क्या चीज एक जैसी है, सोचो बताओ बताओ। पता नहीं बीबी जी, आप ही बता दें। कुछ भी नहीं। बनाया ना उल्लू। वो बीबी जी आपके अम्मी अबू आए हुए हैं। हाँ अच्छा जाओ मैं तैयार होकर आती हूँ, टाइम से आ गए। हाँ। मैं उस वक्त से सोच रहा हूं कि ये गाड़ी यहां क्यों खड़ी है, बराबरी करना चाह रहे हो? अगर तुम्हारी ये गाड़ी बाहर खड़ी हो तो इससे क्या नुकसान होगा?
इसे कौन उठा के लेके जाएगा? अव्वल तो तुम्हारा यहां रोज आना पता नहीं, आइंदा आए तो गाड़ी बाहर खड़ी कर, क्योंकि मैं ना तुम्हें ना तुम्हारी इस गाड़ी को देखना चाहता। सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। बैठे ना जी। अरे मुंशी जी, ये सीमा, इतनी तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? घर की बात है। बिल्कुल जी, बिल्कुल अपना ही घर है, और कुछ रस्में और रिवाज निभाने होते हैं। वो सरवर साहब को तो ये रिश्ता समझ में आ गया ना। आप किसी चीज़ की भी फिक्र मत करें, मैं सब संभाल लूँगी। हमने तो बस अपनी बच्ची आपके और अल्लाह के हवाले करती है। जानते हैं ना, आपके घर के लायक नहीं है, ना रुतबे में और ना ही हैसियत में। लेकिन सीमा, कैसी बातें कर रही हो? मेरी अपनी बच्ची है, ऐसी बातें मत किया करो। जल्दी फारिग हो गए? हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बैठे ना प्लीज। मुंशी जी कैसे हैं, सब खैरियत? अल्लाह का शुक्र है। भाभी, मैं और वशमा वलीमे का ड्रेस तो ऑर्डर करा है डिज़ाइनर क्या, लेकिन आज के लिए इतने शॉर्ट नोटिस पे शो ड्रेस अवेलेबल था, वही उठाना पड़ा। अच्छा, सेट है? जी। सलामत मम्मी, भाभी दिखाती हूँ, बहुत अच्छे से तैयार करना। सीमा देखो, ये हमने बच्चे के लिए सेट बनाया आज के लिए, बाकी जेवर तैयार हो रहा है, सिर्फ यही नहीं दे रहे। बिकम साहिबा, ये तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन आप ना ये अपने ही पास रखिएगा, वो तो बावली है, उसको देंगी तो वो घुमा देगी। हमने तो इतनी कीमती चीज़ें कभी अपने ख्वाब में भी नहीं देखी। बस आप अपनी कीमती चीज़ों की ना खुद ही हिफाजत कीजिएगा। बिल्कुल नहीं, आज से माजबीन अपनी सारी कीमती चीज़ें खुद संभालें, क्योंकि सबसे कीमती तो हमारा अब्दुल्ला है, और वो तो हमने कल रात ही उसके हवाले कर दिया। हाँ सही कह रही है। अल्लाह, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जाएं जाएं, पहले मेकअप तो होने दें। उफ अल्लाह, बिल्कुल कुछ नहीं पता, जाएं। सॉरी। पता ही नहीं है, मेकअप तो हो जाए। चलो अब्दुल्ला। तुम क्यों परेशान? मेकअप माजबीन का, और परेशानी तुम्हें हो रही? अब्दुल्ला, 12 क्यों बजे हुए चेहरे पे? मुझे लगता है गलती हो गई, बहुत बड़ी। बहुत बड़ी गलती। क्या उम्मीद गलती हो गई? शादी हुई है तुम्हारी, कल रात को निकाह हुआ है तुम्हारा। रात में शांत शांत ही कॉल आई थी। क्यों आई थी उसकी कॉल? मैंने पिक्चर भेजी थी उसे, इसलिए कॉल आई थी उसकी। क्या सूरत थी पिक्चर भेजने की? जब वो चैप्टर क्लोज हो गया तो
मैं भी उसे दिखाना चाहता था कि मेरे पास भी लड़की आ सकती है, बस इसलिए दूर से बात करो मुझसे, हाथ नहीं उठाया मुझ पर। बात अभी हो गई है, आइंदा मौजमिन के आगे बात नहीं करना, उसे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा? और मुझे डॉक्टर हमाद का जिक्र करके मैं कुछ कहता हूँ उसे? तो बेवकूफ है ना, तुम तो नहीं हो, तुम अक्लमंद हो है ना? हाँ हूँ, अक्लमंद हूँ जाहिर है। लग रही हूँ बड़ा अच्छा मेकअप किया आपने था माजुबीन, दिखाओ तो सही। नहीं, मुझे बहुत शर्म आ रही है, ये क्या बात हुई माजुबीन, प्लीज। प्यारी लग रही हो है ना? हाँ हाँ प्यारी लग रही है ना? पता है जब मैंने अपने आप को शीशे में देखा तो क्या सोचा कि इतनी प्यारी तो मैं डॉक्टर हमाद की शादी में भी नहीं लग रही थी। इन्हें क्या हो गया? हाँ मेकअप पसंद नहीं आया? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारी लग रही हो। शर्मा गए मेरी तरह। देखो बहन, मेकअप तो तुमने बहुत अच्छा किया, अब जो रात वाला जोड़ा है ना उसे किसी थैली में करके डाल दो, वो अम्मा को देना है मैंने अपनी। भाई वो देंगे तो जहेज की चीजें वापस मिलेंगी, सारी रात मुझे जहेज की चीजों के ख्वाब आते रहे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, ये देखे ये देखे, आहिस्ता आहिस्ता धीमे बात करते हैं ना बेटा। अब अपनी सास को पहले सलाम करो। हाँ अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। अरे कोई बात नहीं, अगर खाला जान कह दिया तो इसमें कोई बुराई थोड़ी है। कोई बात नहीं, नहीं 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 बैठो बैठो। माजुबीन मैं वशमा और अब्दुल्ला की फूफू हूँ, लेकिन ये दोनों प्यार से मुझे फो कहते हैं। क्या फो? फो अजीब नहीं? आंटी शांटी तो सभी कहते हैं, तुम अम्मी को खाला जानी कहा करो। अपना अपना लगता है ना जरा। अरे सलाम, कैसे सलाम, कैसे हो? ठीक है। और बेटा यहाँ आ जाओ। बैठे छोटे साहब आप। थैंक यू। मुंशी जी ये क्या बात हुई, दामाद है आपका, इसके नाम से पुकार रहे हैं इसे आप? नाम? अरे लाए ये दें जरा।
ये ना डॉक्टर हमाद की अम्मा की शादी का है, ये उन्हें वापस करके मेरे घर के सारे कपड़े ले आइएगा। बताया था ना रात को। हाँ 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 अम्मा मैं तो इतना शुक्र अदा कर रही हूँ कि मेरी शादी डॉक्टर हमाद से नहीं हुई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र इनसे हो गई। हजार दर्जे बेहतर हैं और ऐसे फरफर पहाड़े सुनाते, ऐसे एक्सपर्ट हैं कि मैं क्या बताऊँ। जल्दी से पहाड़े सुनाते चलें। अच्छा बेटा बैठ जाओ। हाँ तुम्हारे अम्मी अबू आए तुमसे मिलने, उनसे बैठ के बात तो करो, सुनाता रहेगा। सीमा चाय पियो ना, क्यों नहीं पी रही? जी 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 मैं पीती हूँ। सलाम अम्मा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अरे तेरे इस गरीब सर की ना गुड ना मॉर्निंग। जाओ बारची को कहो कि मेरे लिए नाश्ता बना दे। मैं खुदा के वास्ते कांटा उल्टे हाथ में पकड़ा। ए अरे इधर आ, डर क्यों रही मेरे से? शादी हुई तेरी? जी माशाल्लाह चार बच्चे हैं मेरे। चार बच्चे लेकिन अपने शौहर के पास जा। तुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं है मां, बस जिंदगी में पहली बार दफ्तर जाने को दिल नहीं चाह रहा। चल छुट्टी। रात भर मैं उठता जागता रहा, बेबस रहा हूं मैं, बेचैन। ठीक वैसे जैसे बचपन में मुझे कोई खिलौना नजर आ जाए, जानता मैं उसे खरीद भी नहीं सकता। कोई खुशखाल फाकों से खाली पेट, बेबस। रात को बहुत अरसे बाद मुझे अपने बचपन की बेबसी याद आई है। बस कर दे खुदा के वास्ते मुन्ने, एक चीज के पीछे पड़ के रह जाता है, रगड़ के रख देता है उसको। जो हो गया सो हो गया, बस कर दे अब। बस मेरी मान, एक जवान लड़की से शादी कर ले तू। हाँ तो इसमें कौन सी अनहोनी है, ठीक बात है बिल्कुल। और उसके बाद जब बच्चे होंगे तो फिर? भी बली कही तुम। अरे जब तक तो सब कुछ समेट समाट के ये जा वो जा, खत्म खत्म। मां सिर्फ दौलत की बात नहीं है, दौलतमंदों में उठने बैठने की आदत पड़ गई है मुझे। अब इस महफिल से रुसवा होके कहां जाऊंगा मैं? मंदिर वाले पलंग पर सो जा करूंगी। डॉक्टर हमारे लोगों को कॉल कर रहा हूँ, उन्होंने जो चेक दिया था उस अकाउंट में पैसे ही नहीं है। लेकिन चेक तो हमने दिया था ना सीमा। हमने जो चेक दिया था वो उन्होंने कैश करवा लिया, लेकिन जो चेक उन्होंने हमें दिया है उस अकाउंट में पैसे नहीं है। बल्कि मुझे तो लगता है ये अकाउंट ही जाली होगा, पता करवाता हूँ मैं इसका। आए, ये तो बैठे बैठाए की चपत लग गए, ऊपर से नौकरी भी नहीं है। मुंशी जी दामाद के यहाँ काम करते हुए आप अच्छे तो नहीं लगेंगे ना। तो और क्या करूं? खैर अब तुम ये चेक देख के क्या करोगी, क्यों परेशान हो रही हो? अल्लाह सब अच्छा करेगा इंशाल्लाह, सब ठीक हो जाएगा। बस कुछ वो मोमाम ने कहा था कि शादी के दूसरे दिन दुल्हन को उसके घर लेके जाते हैं, तो उसको लेकर आ गया, सोचा आ जाऊं तेरे पास। हाँ हाँ बहुत अच्छा किया, आए ना बैठे। थैंक्स। सीमा तुम जल्दी से कोई खाने पीने का बंदोबस्त करो, पहली बार नहीं तुम ऐसा नहीं। थैंक यू। अरे ऐसे कैसे, आप ही अपने दुखड़े लेकर बैठ गए, वरना मैंने तो कहा था कि जलेबी लेकर आए। दुखड़े वो दुखड़े बेटा सर, असल
हम ही बेवकूफ हैं, हमने ना जहेज भिजवाने में जल्दी कर दी और उन्होंने हमें नकली चेक पकड़ा दिया। क्या 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 नकली चेक? कुछ नहीं है बेटा, मैं सब संभाल लूंगा, छोड़ दूं रुक। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे अब्बू, वो फ्रॉड आंटी हमारा माल हड़प कर गई, हमें नकली चेक थमा गए, हमें उल्लू बना गए, ऐसे कैसे छोड़ दे, हम तो रिकवरी करेंगे। बेटा बेटा मैं संभाल लूंगा, अच्छा मैं कल जाके बात। कल क्यों, आज ही जाएंगे हम, आज ही जाएंगे, आप लोग सब जाएंगे मेरे साथ। चलो जी चलो, हमें हमें रिकवरी करनी है ना, चलो चलो चलो। अरे अरे नहीं, आप भी साथ ही चलो, आ जाओ। सीधा कैसा अच्छा प्रोटोकॉल है ना। वैसे मैं ना बचपन से अपने अब्बा का बेटा बनना चाहती थी, लेकिन स्कूल के इम्तिहानों ने कभी मौका ही नहीं दिया। अम्मा भी कहती थी एक तो बेटी, पर से बावली, तीसरी कवारी। लेकिन अब तो मेरी शादी हो गई है ना, क्यों अब्बा? जी बेटा। है ना, आगे थोड़ा आगे जाके ना, अल्लाह कितनी दफा कहेंगी थोड़ा आगे जाके, थोड़ा आगे जाके, जा तो रहा है। उल्टे हाथ, अच्छा आगे जाके उल्टे हाथ ले लें। भाई सब रेडी रहे। हाँ मैं कह रही थी सब रेडी रहे, रिकवरी के लिए जा रहे हैं। रिकवरी इस प्यार के सदके।